कर्ज नहीं चुकाया तो मलेशिया ने जब्त किया पाकिस्तानी विमान। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया ने तगड़ा झटका दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 विमान को जब्त कर लिया है। ARY की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन ने इस विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस लीज के करीब $40 लाख चुकाने हैं। कई बार कहने के बाद भी पाकिस्तान ने ये राशि नहीं चुकाई। अभी मलेशिया की कंपनी ने स्थानीय कोर्ट से आदेश लिया और एयरपोर्ट पर PIA के विमान को जब्त कर लिया। इससे पहले भी साल 2021 में पाकिस्तानी विमान को जब्त कर लिया गया था। सियासी विवाद संवैधानिक ढंग से सुलझाओ, IMF ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज मांग रहे पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार अपने राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करे।